हेलो, आज हम बनाएंगे एक रिंग। पिक्चर तो आपने देखी ली होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ओवल शेप का डायमंड लेना है। हम यहाँ से जैम में गए। फर्स्ट नंबर पे ऑप्शन है जैम लोडर, और यहाँ से हमने जैम शेप में जाके सेकंड नंबर पे ओवल शेप सेकंड वाले पेज पे गए, और हमने यहाँ से 10 mm का 10x8 का ओवल शेप का डायमंड ले लिया। अब हमने इस पे कीबोर्ड पे F6 प्रेस करना है, और यहाँ से इसकी हमने जैम प्रोफाइल निकाल के और राइट क्लिक कर दिया। अब हम आएंगे प्रोस्पेक्टिव व्यू में, इसका कोलेट लेंगे हम। जैम को सिलेक्ट किया हमने, कीबोर्ड पे F6 प्रेस किया, ये ऑप्शन निकल के आए हमारे यहाँ से। यहाँ से हमने लिया हेड बिल्डर, और यहाँ से हमने इसका स्टाइल चेंज किया। यहाँ से हमें इसका ये वाला स्टाइल से ये नीचे से हल्का सा टेप पर, और इसको हमने अप्लाई कर दिया। अब हम यहाँ से प्रोंक्स देखने हैं। हमें प्रोंक्स कौन से चाहिए? हमें यहाँ पे प्रोंक्स चाहिए CLAW, क्लो प्रोंग, जिनको हम क्लो प्रोंग बोलते हैं, जो आगे से शेर के पंजे जैसे होते हैं। यहाँ पे हम प्रोंक्स में जाएंगे, और यहाँ से हम शेप लेंगे Prong 020। इसको हमने यहाँ से सिलेक्ट किया, ये होते हैं हमारे क्लो प्रोंग। अब हमें यहाँ से प्रोंग का डायमीटर देखना है, कितना रखना है हमने। प्रोंग साइज है यहाँ पे 1.23, इसको हम यहाँ से 1 mm कर देंगे। अब हमने इसका हाइट देखना है। यहाँ से इसकी हाइट हम यहाँ से पहले 3 करके देखेंगे, -3, एंटर। सॉरी, ये उसकी हो गई, प्रोंग्स की हो गई ये हाइट। प्रोंग्स की नहीं करनी थी हमने, इसकी करनी थी नीचे से। ये हाइट है यहाँ से, माइनस हेड ड्रॉप की हाइट है यहाँ से। यहाँ से हमने इसको किया -3, एंटर। और कम कर सकते हैं हम इसको, हमने इसका किया -2.7, एंटर। बस इतनी रखनी है हमने इसकी हाइट। अब हमने प्रोंग्स की हाइट देखनी है। फ्रंट व्यू में आएंगे हम। प्रोंग्स हमें ऊपर तक लेने हैं, प्रोंग्स यहाँ पे यहाँ तक, इतना कि ये इसके ऊपर ऐसे चिपक जाए। यहां तक रखेंगे कि ये यहाँ पे स्टोन के ऊपर आ जाए। और इसको यहां से हल्का सा थोड़ा सा बढ़ा लेंगे हम। और राइट क्लिक कर देंगे, इतना रखेंगे हम इसको। और इसको हम यहाँ पे जैम प्रोफाइल को छोड़ के, जैम प्रोफाइल के आगे जरूरत पड़ेगी हमें, इसको हम यहाँ से ग्रुप कर लेंगे। अब हमें बीच में एक 2 mm का डायमंड चाहिए, इसको हम इस तरफ मूव कर देंगे थोड़ी देर के लिए, 20 mm। अब हम यहां से जैम लोडर में गए। यहां से हमने राउंड डायमंड लिया 2 mm का, इसको हमने कीबोर्ड पे F6 प्रेस किया, और यहां से हम इसकी भी जैम प्रोफाइल निकाल लेंगे। और इस स्टोन को थोड़ी देर के लिए हमने हाइड कर दिया। इसका हम कोलेट बनाएंगे यहाँ पे मैन्युअली। ऑफसेट किया इसका बाहर की तरफ 0.1, एंटर। और जो ये अंदर वाली प्रोफाइल है, इसको हम डिलीट कर देंगे। अब इसका ऑफसेट लेंगे हम अंदर की ओर 0.4, एंटर। इस तरह से अब प्रोस्पेक्टिव व्यू में आएंगे, इसकी हाइट देखेंगे। इसकी हाइट हमें कितनी रखनी है? सॉलिड किया एक्सट्रूड प्लेनेट कर्व स्ट्रेट, बोथ साइड नो है, नीचे की ओर लेंगे हम इसको। नीचे की ओर लेंगे तो हमें माइनस में लेना पड़ेगा, तो हमने यहाँ पे रखी -2,
-1.5 रखते हैं, 1.5 एंटर। अंदर से हम इसको चैम्फर कर लेंगे, चैम्फर एज किया हमने इसको 0.3 एंटर। अब हमें यहाँ पे प्रोंग बनाना है, टॉप व्यू में आएंगे हम यहाँ पे प्रोंग थोड़ा मोटा लेंगे क्योंकि नीचे से हमें उसको पाइप के साथ अटैच करना है, तो वो पाइप हमें थोड़ी मोटी लेनी पड़ेगी। तो हमने यहाँ पे प्रोंग लिया 0.65 एंटर। स्टोन को ऑन करेंगे, प्रोंग दिखेंगे हमें इसको, प्रोंग को हमने यहां तक रखना है, यहां तक फ्रंट व्यू में। और इसको कितना ऊपर लेना है हमने स्टोन से, इसको हमने किया 0.7 अप, 0.7 ऊपर हो गया ये। अब हमने प्रोस्पेक्टिव व्यू में आना है, इसको हमने करना है सॉलिड एक्सट्रूड प्लेनेट कर्व स्ट्रेट, और यहां तक करेंगे इसको फ्रंट व्यू में आके जहां तक इसकी हाइट है, यहां तक लेंगे हम इसको इस तरह से। 0.65 का प्रोंग है तो इसको हम फिलिट करेंगे 0.3 से। कमांड में टाइप किया हमने फिलिट एज 0.3 एंटर, और प्रोंग को हमने इस तरह से फ्लिट कर दिया। टॉप व्यू में आए, इसको हमने किया ट्रांसफॉर्म अरे पोलार 0 एंटर 3 एंटर 360 एंटर एंटर, और इस पूरे को हमने यहां से ग्रुप कर लिया। अब इसको हमने यहाँ पे सेट करना है, यहां पे लेके सॉरी पूरे को सिलेक्ट करके इसको हमने 20 इस तरफ किया था तो कर देंगे -20 ये यहाँ पे आ गया। अब हम इसको यहाँ पे सेट करेंगे, पहले तो राइट व्यू में आएंगे हम, इसको सिलेक्ट करके ऊपर लेंगे यहां तक, और इस स्टोन को हमने यहाँ पे लिया, इसको हमने हल्का सा तिरछा कर देना है, रोटेट कर देना है, रोटेट इसको सिलेक्ट किया, रोटेट कॉपी नो फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट, और इसको हल्का सा ऐसे हमने इस तरह से कर देना है। यहाँ पे आके चेक करेंगे इसको हम, ये हल्का सा इस पे इस तरह से मर्ज होना चाहिए। इसको हम एक बार के लिए हाइड कर देंगे, टॉप व्यू में आके इसके साथ देखेंगे हम, ये इसके डायमंड के थोड़ा हल्का सा अंदर जा रहा है, इसको थोड़ा बाहर लेंगे हम, इसलिए हमने यहाँ से ये जैम प्रोफाइल निकाला था यहां तक। यहां तक लेंगे इसको इस तरह से, एक बार के लिए चेक कर लेंगे। यहां पे नहीं मर्ज हो रहा है, इसको थोड़ा सा हम और आगे लेंगे, बिल्कुल स्टोन के यहां तक लेंगे इसको हम, ताकि इसमें हल्का सा जो कोलेट है हमारा ये यहाँ पे थोड़ा सा अंदर मर्ज हो जाए। बस हाइड किया, अब जितना ये यहां तक आ रहा है उतने ही हम सारे प्रॉम्प्ट्स लेंगे, इसको हमने सिलेक्ट करेंगे यहां से, इसको हमने किया रोटेट कॉपी यस 0 एंटर, क्योंकि ये राउंड नहीं है हमारा, इसको अरे पोलार नहीं कर सकते, इसको हम एक एक डायमंड सेट करना पड़ेगा हमें इस तरह से।
और एक डायमंड हमारा यहाँ पे आ जाएगा। अब हमें यहाँ से कंट्रोल दबा के इसके जो ये गम्बल है इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे और इसको यहाँ से ऐसे सेट करेंगे एक एक प्रोंग एक एक उसको यहाँ पे। इस तरह से एक एक सेट करना पड़ेगा हमें ये यहाँ पे। यहाँ से हमने डायमंड्स ऑन किया और प्रोस्पेक्टिव व्यू में चेक कर लेंगे एक बारी। ये यहाँ पे इसके ऊपर आ रहा है तो उनको थोड़ा थोड़ा हम उस तरफ मूव करेंगे। ऐसे हमने ये एक एक डायमंड सेट करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है ये अब ठीक आ रहा है यहाँ पे। अब यहाँ से हम एक एक प्रोंग डिलीट कर देंगे और एक एक रखेंगे दोनों डायमंड्स के ऊपर। पहले तो हम यहाँ पे इन सब को यहाँ पे अनग्रुप कर देंगे और यहाँ से एक एक प्रोंग डिलीट करके और एक प्रोंग को इस तरह से सेट कर देंगे दोनों डायमंड्स के ऊपर। ये हो गया को हमने किया अनहाइड। एक बार चेक कर लेंगे तो ये प्रोंग्स भी यहां से इसे अटैच है और ये डायमंड्स के ऊपर भी नहीं है। इस तरह से रखना है हमने इसको। ये जो प्रोंग है ये डायमंड के ऊपर आ रहा है तो इसको हम यहाँ पे साइड में इसके बीच में कर देंगे। तो हम क्या करेंगे टॉप व्यू में इसको यहाँ से हमने अनग्रुप किया, इसको दोबारा से अनग्रुप किया, इसको किया डिलीट 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 और इसको थोड़ा इस तरफ करेंगे हम कंट्रोल से पहले इस एरो के निशान एस इस तरफ करेंगे और इसको हम यहाँ पे लेंगे इस प्रोंग के ऊपर। अब प्रोस्पेक्टिव व्यू में आके चेक करेंगे देखो ये ठीक हो गया यहाँ से हमारा। अब हमने टॉप व्यू में आना है, इसको हमने मिरर और दोनों को दूसरी तरफ
मिरर कर लेंगे इस तरह से। इसको यहाँ की बजाय हम यहाँ पे रख लेते हैं तो ज्यादा बेटर होएगा। इसको यहाँ कर देते हैं हम, यहाँ भी ठीक है। वापिस से इसको और यहाँ से प्रोंग्स वाला कलर हमने सिलेक्ट करके इनको ग्रुप कर दिया, और जो बाकी ये वाला बच गए हमारे यहां तक हमने इसको ग्रुप किया, और इधर वालों को इस तरफ मिरर किया। ये एक बच गया यहाँ पे, इसको उस तरफ मिरर किया, और अब ऊपर वाले यहां तक पकड़ के, पूरे ही पकड़ के इसको हमने किया कंट्रोल, इस वाले को कंट्रोल किया, पूरा ही हो गया। ये ग्रुप है ना आपस में, इस ग्रुप को और इस ग्रुप को और इस वाले को हमने इस तरफ मिरर कर लिया इस तरह से। चेक कर लेंगे कोई डबल तो नहीं है यहाँ पे, इस तरह से बन गया ये हमारा इस तरह से। यहाँ पे हमारे दो प्रोंग आए हैं, इसको हमने डिलीट कर लिया। इस तरफ भी दो प्रोंग आए होंगे, इसको हमने डिलीट कर लिया। इस तरह से बनेगा ये हमारा। अब इस हमने इस पूरे को हमने यहाँ से ग्रुप कर लेना है। अब हमने इसको यहाँ पे फ्रंट व्यू में आके यहाँ पे ऊपर ले लेना है थोड़ी देर के लिए। अब हमने रिंग लेनी है, हमारी रिंग का साइज कितना है। हमने यहाँ पे रिंग का साइज लिया 17 mm रिंग ले ली यहाँ से। इसको हमने ऑफसेट किया 0.7 एंटर, इस तरह से ऑफसेट कर लिया। अब प्रोस्पेक्टिव व्यू में आए, जो ये हमारा ओवल शेप का कोलेट है यहाँ से हम एक डुप्लीकेट एज निकाल लेंगे। यहाँ से हम गए कर्व में सेकंड वाले पेज पे डुप्लीकेट एज, इसका नहीं चाहिए हमें, इसका डुप्लीकेट एज नहीं आ रहा क्या? नहीं, इसका डुप्लीकेट एज नहीं आ रहा। इसको हमने राइट क्लिक किया, जो हमारी जैम प्रोफाइल थी वो लेंगे हम यहाँ से। ये इसके साथ ग्रुप है, इसको हमने यहाँ से अनग्रुप किया, जैम प्रोफाइल लिया हमने यहाँ से, और इसको यहाँ पे नीचे ले आए हम पकड़ के, कहीं भी ले आओ इसको यहाँ पे ले आए हम। इसको थोड़ा सा हम इस डायमंड से छोटा करेंगे, इसको ऐसे पकड़ के शिफ्ट प्रेस करके और ऐसे गम्बोल से थोड़ा सा छोटा करेंगे हम इस तरह से। अब इसको हम इस सर्कल के ऊपर फ्लो कराना है, तो उसके लिए हम करेंगे कर्व, कर्व में जाएंगे कर्व फ्रॉम टू व्यूज, इसको सिलेक्ट करेंगे, जो बाहर वाला सर्कल है उसको सिलेक्ट करेंगे। अब इसको भी डिलीट कर देंगे हम, और जो नीचे आया है इसको भी डिलीट कर देंगे, बस हमें ऊपर वाला चाहिए एक बारी के लिए। इस पूरे को हमने वापस से ग्रुप कर दिया और इसको हमने यहां से हाइड कर दिया। अब इसको हमने करना है पैच, और इसका हमने ऑफसेट सरफेस करेंगे। इसको हमने सिलेक्ट करना सरफेस को,
ऑफसेट सरफेस उससे पहले इसको बीच में से हम कट कर लेंगे। तो इसको सिलेक्ट करेंगे, यहां से हम करेंगे ऑफसेट ऑफसेट कर्व ऑन सरफेस। इसको हम अंदर की तरफ लेंगे 0.7 एंटर। ये हमारा आ गया यहाँ पे कर्व। अब हम इसको इसके साथ स्प्लिट कर देंगे, इसको सिलेक्ट कर देंगे हम और यहाँ पे हमने इसको किया स्प्लिट एंटर और इस बीच वाले को हमने डिलीट कर दिया। यहाँ पे ये इसको अंदर से कट करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि यहाँ से हमें यहाँ से हवा पास होने का रास्ता होता है एयर। अब हमने इसको नीचे की तरफ ऑफसेट सरफेस करना है, ऑफसेट सरफेस नीचे की ओर। 0.7 का हमने ऊपर की ओर ऑफसेट किया था रिंग रेल को, तो 0.7 नीचे की ओर हमने इसको ऑफसेट सरफेस करके इस तरह से पॉली सरफेस बना लिया यहाँ से 0.7 का। अब इस सर्कल को हमने डिलीट कर देना है। अब जो हाइड किया था उसको अनहाइड करेंगे हम। फ्रंट व्यू में जाके देखेंगे ये हमें कितना ऊपर नीचे लेना है। ठीक है, ये इतना हमारा यहाँ पे, इसको थोड़ा और ऊपर करना है, थोड़ा और ऊपर भी ले सकते हैं हम। इतना रखा हमने। अब हमने यहां से लेना है आर्क थर्ड नंबर वाला। अब हम यहाँ से पाइप बनाएंगे, तो पाइप बनाने के लिए हम कहाँ से लाइन लेंगे? ये बिल्कुल ये जो प्रोंग दिख रहा है लास्ट में, पहले यहाँ से ओ स्नैप ऑन कर लेंगे, ये वाला पकड़ेंगे और बिल्कुल इसके नीचे जो पॉइंट आ रहा है वो पकड़ेंगे हम। और इसको हम यहाँ पे इस तरह से आर्क बना देंगे। अब एक बार प्रोस्पेक्टिव व्यू में आके चेक कर लेंगे ये लाइन हमारी सही आई है कि नहीं आई है। ये लाइन हमारी बिल्कुल ओके आई है। इसको हमने कर लेना है पाइप 0.65 एंटर 0.65 एंटर एंटर, क्योंकि हमने 0.65 का प्रोंग लिया था। ये रेडियस में आ गया, इसको हम डायमीटर में लेंगे कंट्रोल जेड। इसको हमने किया पाइप, यहाँ से रेडियस है, ये रेडियस में आ गया। इसको हमने यहाँ से डायमीटर किया और यहाँ से कैप हमने राउंड वाली ली। अब करेंगे 0.65 एंटर 0.65 एंटर एंटर, इस तरह से आ गया। अब हमने इसको इस प्रोंग के साथ सेट करना है। इसको हमने इस तरह से आगे लिया, ये यहां से तो सेट हो गया पर ये यहां से नीचे निकल गया हमारा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, राइट व्यू में या फ्रंट व्यू में देखेंगे कहां से हो गया ये सेट। फ्रंट व्यू से होगा, फ्रंट व्यू में आए, यहां से हमने लिया रोटेट फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट और इसको ऐसे ऊपर कर देंगे। ये ऊपर से कॉपी यस है, उसको हम कॉपी नो करना था, कंट्रोल जेड जेड। इसको हमने किया रोटेट, यहां से हमने किया कॉपी नो, कोई कॉपी नहीं चाहिए हमने। इसको किया शिफ्ट और इसको हमने ऊपर कर दिया। अब ये यहां से थोड़ा सा बाहर आ गया हमारा। इसको हम इस फिर से इस तरह से करेंगे, इसको हमने सेट करना है प्रॉपरली। थोड़ा इसको हमने नीचे किया, ये आ गया हमारा। इसी तरह से हमने इसको सारे उस पे सेट करना है। ये अंदर से निकल रहा है हमारा, तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ से स्केल करके छोटा कर लेंगे। यहाँ से हमने इसको किया स्केल 1D फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट और इसको हल्का सा हमने छोटा कर लिया। वापस इसको हमने रोटेट करना पड़ेगा, रोटेट फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट रोटेट। अब चेक करेंगे प्रोस्पेक्टिव व्यू में जाके, ओके आया ये हमारा।
अब हमें इसी तरह से सारे डायमंड्स के ऊपर ये सेट करना है। इसको सिलेक्ट किया हम, इसको सिलेक्ट किया हम, टॉप व्यू में आए, ये यहाँ पे है हमारा। तो इसको हमने यहाँ तक इस तरह से सेट कर लेना है एक एक रोंग के ऊपर। तो हमने यहाँ से किया रोटेट, जीरो एंटर। अब हम ऊपर से कॉपी यस करेंगे क्योंकि हमें कॉपी चाहिए। एक इसके ऊपर रखा हमने, एक इसके ऊपर, एक इसके ऊपर और एक इसके ऊपर रखा और राइट क्लिक कर दिया। ये आ गए हमारे। अब हम इनको सबको जिस तरह एक को हमने सेट किया था सबको हम ऐसे ही सेट करेंगे। ये हमारा पूरा सेट हो गया है, इसको हम हाइड कर देंगे। अब हमने इसको सेट करना है, ये अंदर से तो कहीं से निकला नहीं हुआ, बस इसको हमने हल्का सा पीछे करना है। ये पीछे हो गया हल्का सा, अब ये साइड इस तरफ से निकल गया। थोड़ा सा इस तरफ, ओके है ये हमारा। ये हल्का 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 सा तो निकल सकता है पर ज्यादा नहीं निकल सकता, वो हमारा फिनिशिंग में कट हो जाएगा। अब हमने इसको हाइड कर लेना है। अब हम इसको करेंगे को हम पीछे लेके आएंगे यहाँ तक, उसको हमने स्केल करके छोटा किया था, ठीक है, इसमें बढ़ाना तो नहीं पड़ेगा। इसको हल्का सा हमने ऊपर लिया। जिस व्यू से आपको सही लगे आपने उस व्यू से इसको इसके अंदर मर्ज करना है, इस तरह से हल्का सा इसको ऊपर लिया। ठीक है ये, अब इसको भी हमने यहाँ से हाइड कर दिया। अब इस वाले को करेंगे, ये यहां से ऊपर लिया इसको, अंदर लिया। पर लिया इसको, नीचे से वो निकला हुआ है। थोड़ा सा अंदर की तरफ, हो गया ये भी। इसको भी हम यहां से हाइड कर लेंगे। इस तरह से एक एक को कर करके हम हाइड करेंगे तो इससे हमें कंफ्यूजन नहीं होती, नहीं तो बहुत कंफ्यूज कर देते हैं ये हमें। धीरे धीरे आराम आराम से करना हमने इनको। ये भी हो गया हमारा। अब हमने जो हाइड किए थे सबको हम अनहाइड कर लेंगे। टॉप व्यू में जाएंगे, इनको हम इस तरफ मिरर करेंगे। इसको तो मिरर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सेंटर में ही है। इसको हमने कंट्रोल किया, इनको हमने यहाँ पे जाके इस तरफ, पहले इनको हम ग्रुप कर लेते हैं। इनको हमने यहाँ से ग्रुप किया और इस तरफ मिरर कर लिया। प्रोस्पेक्टिव व्यू में जाएंगे, अब इधर वालों को सिलेक्ट करेंगे,
और बीच में एक बच गया, इसको सिलेक्ट करेंगे, वापस टॉप व्यू में जाएंगे और इनको हम इस तरफ मिरर कर लेंगे। बीच में शायद कोई डबल तो नहीं आया, इनको हमने किया अनग्रुप, इनको किया अनग्रुप, तो भी अनग्रुप, अनग्रुप, तो एक बार चेक कर लेंगे कि कोई डबल तो नहीं है, डबल होगा तो उसको हम डिलीट कर लेंगे। ठीक है सारे, अब हमने फ्रंट व्यू में आना है। अब ये हमारा पूरा ओके हो गया, तो इस पूरे को हमने यहाँ पे ग्रुप कर लेना है। अब हम यहाँ पे रिंग का शैंक पार्ट बनाएंगे। रिंग का शैंक पार्ट कैसे बनाएंगे हम, ये लेडीज रिंग है तो नीचे से और थोड़ी ये हैवी रिंग हो गई, तो नीचे से हम इसकी हाइट लेंगे। वैसे 1 mm भी चल जाती है, थोड़ी हैवी रिंग है तो यहाँ पे हम इसके नीचे से हाइट लेंगे 1.5 एंटर। और यहां से हम लेंगे 2 एंटर। अब हमने इस पूरे को यहां से स्टैंडर्ड यहां से लॉक कर देना है, बिल्कुल इसके यहां से एक लाइन बना लेंगे हम पहले, बिल्कुल इसके यहाँ तक, इसको हल्का सा अंदर तक ही लेंगे तो क्या, ताकि वो उसके अंदर मर्ज रहे। और जहां तक ये हमारे पाइप है ना, यहाँ तक इस तरह से एक लाइन बना लेंगे। अनलॉक किया और इसको हमने हाइड कर दिया। अब ये लाइन देखेंगे हमारी तिरछी तो नहीं आई, कई बार ये ओ स्नैप की वजह से दूसरे से कनेक्ट हो जाती है। वापस फ्रंट व्यू में आएंगे हम। अब हमने लिया यहाँ से आर्क, थर्ड नंबर वाला, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, और शिफ्ट प्रेस करके ऐसे आर्क बना देंगे। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, सॉरी पहले यहाँ पे आर्क बनाएंगे हम, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, और शिफ्ट प्रेस करके इस तरह से हम आर्क बना लेंगे। एक बार इसको अनहाइड करके भी देख लेंगे ये ठीक आया क्या हमारा। हाँ ये अंदर तक है, ये मर्ज जाए इसके अंदर, इसको हमने हाइड किया, इस लाइन को डिलीट किया और यहाँ से फिर से आर्क, थर्ड नंबर वाला, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, और शिफ्ट प्रेस करके अब इन दोनों को हमने कर देना है रीबिल्ड 5 पॉइंट से और ओके कर देना है। इस लाइन का कोई काम नहीं है, इसको डिलीट कर देंगे। अब यहाँ पे हम स्वीप टू से सरफेस बना लेंगे, एक ये वाली लाइन आ जाएगी और ये, और ये एंड, और ये एंड। पहले इन दोनों लाइनों को हमने ज्वाइन करना है, उसके बाद रीबिल्ड करना है इस तरह से, ताकि वो हल्का सा यहाँ से गोलाई में आ जाए। अब हमने यहाँ से इसको करना है स्प्लिट पॉइंट, वहां से करेंगे पहले इसको सिलेक्ट कर, यहाँ से जहां से ये लाइन को कट कर रहा है, यहाँ से और यहाँ से, और एंटर कर देंगे। ये अलग अलग हो गया हमारा। अब इस वाले रेल को हम डिलीट कर देंगे। अब ये हमारा स्विफ्ट टू से सरफेस बन जाएगा यहाँ पे। अब हमने कमांड में टाइप किया स्विप टू, ये वाला स्विप टू, फर्स्ट रेल, सेकंड रेल, फर्स्ट क्रॉस सेक्शन, सेकंड क्रॉस सेक्शन, एंटर। और इसको हमने स्लाइसिस अगर हमने सीधे करने हैं तो इस तरह से ऐड स्लाइसिस करके और इनको थोड़ा सीधा कर लेंगे और ओके, और ओके।
ये आ गया हमारा। अब इसको हम ऑफसेट देंगे, इस रिंग की चौड़ाई कितनी चाहिए हमने, इसको हम ऑफसेट सरफेस करेंगे बोथ साइड, बोथ साइड यस 0.15। तो टोटल चौड़ाई हमारी हो जाएगी, इसकी जो विड्थ हो जाएगी 3 mm की हो जाएगी, 1.5। एंटर एंटर, ये बन गई इस तरह से। अब हमने इसमें एक वी कट लेना है, यहाँ से एक कट मारना है हमने इसमें। वो कैसे करेंगे एक बार इसको अनहाइड करके देख लेंगे। ठीक है, ये हमारा इस तरह से इसके अंदर मर्ज हो जाएगा ये हमारा। दोबारा से इसको हाइड किया हमने, और यहाँ पे जो वी कट मारना है वो कैसे करेंगे हम, फ्रंट व्यू में इसमें हम आए शेडेड में, इसको हमने शेडेड कर दिया। यहाँ से हमने ब्लू वाला कलर ले लिया ताकि लाइन हमें शो हो जाए। इसको सिलेक्ट करना है, हमने करना है ऑफसेट कर्व ऑन सरफेस। इसको इस तरफ एरो के निशान होने चाहिए। यहाँ से हमने कर दिया 1 mm तक एक लाइन ली। सेम यहाँ पे भी करेंगे, अंदर की तरफ एरो देख के 1 enter इस तरह से। अब हमने यहाँ तक नहीं चाहिए कट, हमें यहीं तक कट चाहिए। तो इसको हम इसको पकड़ेंगे, यहाँ से हम इसको करेंगे रोटेट कॉपी नो फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट, और इसको इस तरह से जहाँ तक हमें अपना कट चाहिए इस तरह से इसको तिरछा कर देंगे। अब यहाँ से डुप्लीकेट एज लेके और यहाँ से कर्व लाइन निकाल लेंगे हम। हम इन तीनों को पकड़ेंगे और जो एक्स्ट्रा पार्ट है हमारा उसको हम ट्रिम कर देंगे, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से। ये बन गया हमारा भी, और जो ये पार्ट बचा है इसको हम एंटर करके और डायरेक्ट ज्वाइन कर लेंगे ऐसे का ऐसा। ये देखो ज्वाइन हो गया हमारा। अब इसको पकड़ेंगे हम, प्रोस्पेक्टिव व्यू में आएंगे, यहाँ पे हम इसको करेंगे सॉलिड एक्सट्रूड प्लेनेट कर्व स्ट्रेट, ऊपर से करेंगे बोथ साइड और इस तरह से इसको कट कर देंगे। इसको पॉली सरफेस को सिलेक्ट, बुलियन डिफरेंस एंटर, ये कट हो गया हमारा इस तरह से। डिलीट कर दे, ये बन गया हमारा इस तरह से, और ये इसके अंदर मर्ज भी हो रहा है। टॉप व्यू से देखेंगे इसको हम ऊपर से, इसकी जो विड्थ है हम ऊपर से कम कर लेंगे थोड़ी सी। इसको हम शेप देंगे प्रॉपर, उसके लिए क्या करेंगे, इसको हमने सिलेक्ट किया पहले, इसको हमने हाइड किया, इसको हमने राइट व्यू में गए, यहां से हमने किया केज एडिट बाउंड्री बॉक्स 3 points एंटर एंटर एंटर। ऊपर से हम इसको कम कर लेंगे, ये जितना कम होएगा उतना अच्छा लगेगा हमारा। ये शैंक पार्ट की शेप देंगे हम, यहाँ से ऊपर से इतना रखेंगे हम इसको, यहां से भी इसकी चौड़ाई कम कर लेंगे। इससे हमारा मेटल वेट भी कम होएगा, 2 mm तक रखेंगे इस तरह से। पॉइंट्स ऑफ प्रोस्पेक्टिव व्यू, तो बाहर का बॉक्स है उसको डिलीट कर लेंगे। इस तरह से हो जाएगा ये हमारा, और इसको अनहाइड। अब इसको हम दूसरी तरफ मिरर कर लेंगे, ये बन गया हमारा रिंग।
इसमें हम अगर हमें मेटल वेट कम करना है तो इसमें हम स्कूपिंग कर सकते हैं। स्कूपिंग करना मैंने आपको सिखाया हुआ है, तो ये हमारी रिंग यहाँ से कंप्लीट हो गई। देखो ये यहाँ से कितनी सुंदर लग रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।